आप लोगों ने चिकन लॉलीपॉप तो सुना होगा, तो गाइस आज वैसे ही प्रॉन्स लॉलीपॉप बनने वाला है गाइस, बहुत ही यूनिक एकदम खतरनाक। प्लीज मुझे बताओ कि घर में अच्छी बहू कैसे बनते हैं। आरती बहू बनने का पहला स्टेप कर चुकी है, लेकिन बीच की डंडी कैसे बनाओगे क्या? वाओ दीदा, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। अरे माँ, ये तो बिल्ला सीन कर दिया देखे। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस फाइनली आप लोगों ने कल की रेसिपी पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाया हम लोगों को, तो निता ने बोली चलो ठीक है आज और भी उससे अच्छी रेसिपी बनाते गाइस, जो कि बहुत यूनिक रेसिपी है। ठीक है, तो वो आप लोगों को निता बताएगी अभी क्या रेसिपी है। उसके पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आरती भी आई है यहां पर, और आरती ने स्पेशल निता से रिक्वेस्ट की है कि निता प्लीज मुझे बताओ कि घर में अच्छी बहू कैसे बनते हैं। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट है? मैंने ही निदा को, क्योंकि तुम्हारी जैसी ना वो जो रेसिपी बना रही है वो भी झींगा। बाप रे, झींगा अप्रिशिएट कर रहे हैं एकदम। गाइस आरती बना रहे यहाँ पर हम लोग झींगा। क्या हो? मैं हूँ ऑक्टोपस और निदा क्या है? निदा है वेल। कैसा खुद की बीवी की फट से वेल? वेल बहुत बड़ी होती है तो समझे। वो कभी मेरा अच्छा नहीं जा सकते। अच्छा नहीं जा सकते, वाह क्या इंग्लिश बोलती, वाह रे छोटे तेरा क्या कहना। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज क्या बनने वाला है गाइस, आज है ना बनने वाला है, आप लोगों ने चिकन लॉलीपॉप तो सुना होगा, तो गाइस आज वैसे ही प्रॉन्स लॉलीपॉप बनने वाला है गाइस, बहुत ही यूनिक एकदम खतरनाक। मुंह में पानी आएगा नहीं, शौक लगा के नहीं, वही तो बात है, वही तो मेन लगाना था हम लोग को। तो गाइस देखो यहाँ पे प्रॉन्स छिले जा रहे हैं, तो निता ये कैसे बनेगा प्लीज? ये बनेगा देखने के लिए। देखने के लिए बनेगा? देख देख अभी बता, देखने के बाद पता चलेगा, ऐसा बोलते निता क्या होगा तुम्हारी हिंदी को। आज मैंने क्या करी वो तो दिखाओ, कैसी जीप लपलपाई। तो गाइस मैं तो आज घोड़े बेच के सो रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रही थी सुबह में, जोहान नहीं सो रहा था, जोहान को मुझे सुलाना पड़ा रात भर। ठीक है, तो मेरी हालत खराब हो गई, तो जोहान को चेक कर लेते, जोहान चेक नंबर वन। ठीक है गाइस देखो ये आप लोगों को पूरा साफ सफाई दिख रही रहेगी यहाँ पर माशाल्लाह से, ये सब निदा के कारस्तानी। और गाइस निदा ने ये वाले रूम का नक्शा ही बदल दिया गाइस, लिटरली जैसे ही अंदर रूम में घुसो ना गाइस तो कारपेट ही कारपेट है, धनाधन धनाधन, मतलब आप चलोगे यहाँ पर तो आपको सिर्फ कारपेट फील होने वाला है। और गाइस जो यहाँ पर हमारा जो शू रैक था गाइस यहाँ पे, तो निदा ने यहाँ पे हमारे सारे ब्रांड के कपड़े लटका दिए, बोला अगर कभी वीडियो बनानी रही कोई कपड़े की तो यहाँ पे हम लोग वीडियो बना सकते हैं, यहाँ पर बैकड्रॉप हम लोग ने इसके लिए बनाए थे। और यहाँ पर गाइस निदा ने देखो मस्त यहाँ पे जो मिरर रख दी है, और यहाँ पे जोहान का कबर्ड रख दी है, और ये जो शू रैक हमारा यहाँ पर था निदा ने उसको खोल के इसको दो हिस्सा कर दिया, जहाँ पर ना तीन हिस्सों में था वो लंबा, तो यहाँ पर इसको खोल के दो हिस्से में करके बड़ा कर दिया, यहाँ पर सारे शूज आ गए, और यहाँ पे हमारी लाइट वगैरह आ गई है, जोहान का थोड़ा छोटा वाला कबर्ड आ गया है। और गाइस यहाँ भी घुसो तो कारपेट ही कारपेट, आ हा हा। निदा मैं क्या बोलता हूँ, ये तो इतनी जमीन अपन ने खाली रखे यहाँ पर भी और हॉल में भी, मतलब यहाँ पर भी डाल देते कारपेट अच्छा लगता था ना। अरे इतने सारे कारपेट थे तो और ले लेते ना अपन, क्यों मतलब मैं क्या बोलता, आरती को बिछा देते, आरती को बिछा देते निदा अपन, वो नहीं वो हाँ गाँव वगैरह में नहीं वो जानवरों की स्किन बिछा देनी चाहिए, अपन आरती को बिछा देते। तुम बड़े जानवर हो, तुम्हारी स्किन बिछाओ तो ज्यादा कवर हो, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा चमड़ी है। तो गाइस आरती बहू बनने का पहला स्टेप कर चुकी है माशाल्लाह से, झींगा छिलना सीख रही हो। आज मैं उसको झींगे का लॉलीपॉप भी सिखाऊंगी, घर पे जाके अपनी मम्मी डैडी सब खिलाना और अपने उनको भी खिलाना। तो तुम्हारे घर में सब खाते हैं नॉन वेज? हाँ, तो फिर क्या टेंशन है। मैं क्या बोली, मैं अभी खा नहीं सकती, ट्यूसडे है ठीक है, तो निदा मेरे को बोली एक काम करो तुम पार्सल लेकर जाओ फिर सबको खिलाना। हाँ कल खा लेना तुम लोग, कल जो 12 बजे के बाद खाऊंगी। हाँ ये बात भी सही है। तो गाइस प्रॉन्स छिल चुके हैं, अब इसको मुझे धोना है, और मैंने इसमें दो तरीके के प्रॉन्स रखी हूँ, एक रखी हूँ आधा था और एक रखी हूँ पूरा निकला हुआ नेकेड। जैसे कि आप देख सकते हो ये है आधा वाला, आधा झींगा आधा आधा, और ये बचे हुए सब अक्खे। तो ये अक्खा और आधा का क्या लॉजिक है निदा? तो इतना बात है अम्मा। सो गाइस ये आप लोग को ब्लॉग खत्म करके बाद पता चलेगा, आप लोग देखते रहिए बने रहिए, हम छह ब्लॉग के बाद डालेंगे ये। सस्पेंस ही रहेगा ये। सो गाइस अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, झींगा झींगा इसको नाम दे दो आरती, पटा से शटअप बोली, हम डाल देंगे मिक्सर में, मिक्सर में। ओह माय गॉड, अभी तुम्हारी टेक्निक पता चली मुझे, अब इसमें हम लोग डालेंगे कोथमीर भर भर के, और इसमें डालेंगे हम चिली, व्हाट डू वी कॉल कोथमीर इन इंग्लिश? कोरिएंडर, समझे? हद में रहना जरा, मंगाते रहोगे, हद में रहना जरा, मैं सोचना भी नहीं कि इंग्लिश नहीं जाती नहीं मेरे को, समझ में आया क्या? और हम डालेंगे, तुम इधर देखो बहू बनना है कि नहीं बनना है, ये उड़ाने वाली थी अपने। अरे भाई हेलीकॉप्टर थोड़ी है, वो आराम से चला रहे थे, तो लॉक तो कर, लॉक कर रही थी बहन, तुमने मौका ही नहीं, नहीं जुम्मेदार चालू करने जा रहे थे देख लिए, हमें
तीनों ऐसे घूस घूस के यहाँ पे खड़े क्या हो रहा है वो आलू का चालू बन गए थे तो पूरा पूरा नहीं हुआ नहीं हुआ पूरा मचलाहट हो गई मेरे को चम्मच दो पूरी मचलाहट हो गई है तो प्लीज गिव मी वन स्पून झींगा पचक गया खुशबू आ रही है झींगे की नहीं आ रही है नहीं आ रही झींगे की खुशबू खाली वो उसकी आ रही कोथमीर की आ रही है ना और अदरक की क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग तो बहू बनने का दूसरा रूल ये है कि मिक्सर को कंटिन्यू नहीं जलाने का कंटिन्यू जलाने से मिक्सर जल जाता है समझे ये हो गया है रेडी चटनी बन गई है समोसा बनाना बाकी मैंने बोली थी ना तुम लोग मेरी बात ही थी मान लो वही बस बहू अब हो गया yes, अब प्रॉपर चटनी बनी है समोसे की लो तो गाइस अभी इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर आटा हाफ टी स्पून ये टीस्पून नहीं था बढ़िया देखिए जल्दी जल्दी के काम शैतान के होते हैं आराम से करो आराम से करो और फिर हम डालेंगे इसमें मैदे का आटा भी ठीक है जितना मैदा हाफ टी स्पून जितना कॉर्नफ्लोर डालेंगे उतना ही मैदा डालना है ओके ओके फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची स्वाद अनुसार थोड़ा सा ही डालेंगे कि हमने इसमें हरी मिर्ची भर के डाले स्पाइस हो गया ऑलरेडी और इसमें हम डालेंगे हल्दी हल्दी और चमन के मेरे दोस्तों की शादी जल्दी दूसरे दोस्तों की तुम्हारी तो हो गई और ना दूसरा बच्चा जल्दी बस जीरा पाउडर डालेंगे और तो एक चीज डालना भूल गए हम लोग वॉच नमक शमक ओ नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं बट ये क्या अच्छा ये वो आटा था अब इसको हम लोग करेंगे शेकी 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 निदा मैं जो फ्रूट काटने वाला हूँ उसके लिए मेरे को प्लेट चाहिए जबान से काट लो की थोड़ी अय्या काम करें ब्लॉग बनाना तुमको शट अप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ भाई क्या तुम्हारा मैंने बिगाड़ दिया जिंदगी शुक्रगुजार होना चाहिए तुमको मेरी दोस्त जैसी बीवी मिली है देखे मिक्सी मिक्स हो गया अब आप इसे पाम में ऑयल लेना है और खुद की मसाज करनी है अब आपको पता चलेगा कि इसका क्या काम है ठीक है ओके अभी हम लेंगे इसमें थोड़ा सा पाम में घी लेके हम थोड़ा सा ये लेंगे ना हमको इसका लॉलीपॉप बनाना लॉलीपॉप जितना साइज बनाना है हाँ फिर इसको गोला कर देंगे एक मिनट चाहिए बहुत ज्यादा ऑलरेडी इसको लेने के बाद थोड़ा सा और घी और इसको मैं करूंगी गोलम गोल लेकिन बीच की डंडी कैसे बनाओगे क्या सरप्राइज है वो भी My God, smart brains just like me. Wow, wow, Nida, this was not expected at all, right? जरा भी नहीं बहुत सही है विद आरती साबुनकर कैमरा मैन आरती साबुनकर सो गाइस अभी फाइनली निदा ने इसको रख दिया फ्राई करने ये फ्राई हो रहा है और अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए कि इसका एंड रिजल्ट क्या आता है मैं खुद तुमसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ अरे माँ अबे ये तो बिल्ला सीन कर दिया देखा है ना मैं भी शौक हो गई मुर्गी के पैर है कुछ यूनिक है यार मस्त लग रहा है तुमने क्या दिमाग चलाया हो थैंक यू गुड गुड कोई नहीं पहले थोड़े से शुरुआत करते हैं नीदा भाई बाद में मैं और बना दूंगा वो भी सही रहेगा तो गाइस चम्मच में अरे हाथ मत लगाओ नहीं नहीं मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो हो गया इनका तो अलग ही चालू है ठीक हो गया इतना जल्दी घाव लगा था उसको थोड़ा सा मैं गिफ्ट करने आई थी तुमको दूसरा चम्मच बट कोई नहीं शट अप सो गाइस ये रहा मेरा स्पेशल फालूदा और पीछे मेन डिश आ रही है गाइस थोड़ा गार्निशिंग बाकी है गाइस कहता देख रही है ग्लास भी लेकर आ रही हूं लाओ ग्लास दे दो टट टट तो ग्लास क्यों लेकर आ रहे हो मैं बैठना चाहती हूं मैं नहीं उठना चाहती मैं सुबह से कर करके थक गई हूं टट 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 तो मेन फोकस ये है हमारा आज का वेरी गुड आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा तो गाइज ये लॉलीपॉप आपके ये हवाले मैं पकड़ना चाहता हूँ अपने हाथ से ये बहुत यूनिक है गाइज देखो इसकी जो दुम है ये बोला ना मैंने मजा लगा टूट जाएगा तुम्हारे हाथ में जाके टूट गया वो कोई नहीं दूसरा खा सकते हो तुम क्या मस्त दिख रहा है सॉस का पानी और ये पहला झींगा लॉलीपॉप मुंह में जाते हुए हाउ इज इट परम्पार है परम्पार क्या बात कर रहे हो अलग ही टेस्ट आ रहा है क्या क्या बना रहे हो तुम यार एकदम लाइट एकदम दिस इज हेल्दी ऑल्सो हेल्दी ऑल्सो तुम मिस कर आरती कोई नहीं मैं पार्सल लेके जा रही हूँ यम्मी मैं पार्सल लेके जा रही हूँ गाइस वेरी गुड निदा आई एम प्राउड ऑफ यू वेरी गुड आ सो गाइस फाइनली हम लोगों की इफ्तारी हो गई और निदा का जो गाइस वो प्रॉन्स लॉलीपॉप था वो बहुत अच्छा था और मिसबा भी आ चुकी है मुझे निकला है क्योंकि बचा नहीं इसके लिए तो मिसबा तुम पहले व्लॉग देखना और बनाना एक नंबर चीज बनाई नहीं मैं बनावा खाऊंगी
बना हुआ भी तुमको फिर नेक्स्ट फ्राइडे मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा, फ्राइडे को मैं सोच रही हूँ बनाने का। सो गाइस फ्राइडे को आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो प्लीज किसको, हाँ उनको सैटरडे मिलेगा लेकिन फ्राइडे को हम लोग को मिलेगा। तो गाइस वो सैटरडे को हम लोग आप लोग से शेयर करेंगे। और अब वक्त आ गया है गाइस हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं, क्योंकि गाइस कल हमें शॉपिंग करनी है ईद के लिए, जो कि गाइस हम लोग, मैं, जोहान और निदा तीनों सेम सिलवाने वाले हैं ईद के लिए। गाइस आप लोग कल का ब्लॉग जरूर देखना जहाँ पे हम लोग सोर्सिंग करेंगे कपड़े की, आप लोग पता चलेगा हम लोग कैसा कपड़ा खरीदते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग को नॉलेज हो गई है कपड़े, क्योंकि हम लोग अभी कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, ब्रांड है हमारा खुद का, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है। और गाइस हम लोग जहाँ से कपड़े मंगवाते हैं वहाँ पे छोटे मोटे कपड़े नहीं मिलते, एक मीटर दो मीटर, वहाँ पर हमें हजार हजार मीटर मंगवाना पड़ता है। तो गाइस अभी एक दो मीटर के लिए हमें यहीं से लेना पड़ेगा। कि हम लोगों ने आरती के लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, क्योंकि आरती को बहुत ज्यादा पसंद है, वो पता नहीं ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तुम लेकर आओ। सो गाइस ये हम लोगों ने आरती के लिए गिफ्ट लिया था, क्योंकि आरती को क्यूट चीजें जमा करना बहुत पसंद है। तो चलो आ जाओ, टिडिन टिडिन टिन, चलो 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 चलो, रुक जा, पीछे छुपाओ पीछे छुपाओ, हाँ चलो, एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जॉन की बोतल देखी क्या? नहीं, नहीं, हम लोग आइकिया गए थे ना, तो इसलिए हम लोग को बोली थी कि मेरे लिए प्लीज बोतल लेकर आना। अभी मैं रोज को कैरी करूंगी इन माय बैग। यार तुम्हारे बैग के हिसाब से लाया हम लोग, ताकि तुम्हारे छोटे छोटे बैगों में आ जाएगी, और तुम्हारे कपड़े से मैच भी कर रही है आज ये। तुम इसमें जूस भी डाल के पी सकते हो। इन लोग के अंदर है ना माँ बाप की भावना आ गई है, वेरी गुड। वैसे भी हम लोग आरती को बेटी मानते हैं हमारी, और इसको ऐसे मैं लेके घूम भी सकती हूँ, फोटोशूट करना है। थैंक यू गाइस। तुम्हारा बेटा ऐसे तो उल्टी नहीं करता, जैसे ही नया कपड़ा पहना है दुनिया भर की उल्टी करता है, तीन चार बार करता है। इसमें पानी भर लेती हूँ, अभी जाते थे इतरा इतरा के पी के चलूंगा। तो गाइस जोहान ने आज वावा कपड़े पहना है माशाल्लाह से, वो कपड़े आप लोग को हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, उसका फेस दिख जाएगा उसके अंदर, ब्लर करना फिर। हाँ तुम फोटो डाल देना गाइस, तो आप इंस्टाग्राम पे देख लेना निदा के साथ में फोटो उसकी, ठीक है। और यही कपड़े जो है इसने चार बार उल्टी कर दिया है, वैसे दिन में चार बार भी नहीं कर रहा है। और गाइस मिसबा की हेल्थ के लिए भी आप लोग दुआ करना, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए। मिसबा की हेल्थ आप लोगों को तो पता है कि थोड़ी खराब है, मिसबा प्लीज ऑल इज वेल, दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल बोल के जाना, इंशाल्लाह सब सही होगा। मैं तो बोल रही हूँ आगे जोन जा खेला कर, अपने आप सब सही हो जाएगा, वो भी सही। मैं ठीक हो गई, ऑपरेशन वाली दो दिन में बेड से उठ गई, इसके चक्कर कोई नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। बोतल लेके चूसते चूसते आ रही है, हाँ इतना हो, चलो अभी इतना इतना हो। तो गाइस 12 बज चुके हैं और आरती खाने जा रही है प्रॉन्स, एंड निदा ने मेरे को क्यूट है एक बचा दिया ये हैवान ने, सिर्फ आरती के लिए एक बचा है, मतलब खाओ जैसे पेट, उसका पेट भर जाता उसमें। थैंक यू मेरा भाई, थैंक्स। सो लेट्स टेस्ट। अच्छा भाई को थैंक्स, बहन ने जब बनाई उसका क्या? बहन तुम्हारे तो मैं हाथ पैर धो के पानी पी लूं। नहीं नहीं बस खा के बताओ कैसा है, ठंडा वगैरह का ना मजा नहीं आ रही, लेकिन टेस्ट तो समझ जाए ना, बहुत अच्छा बना, वेरी नाइस। अगर गर्म होता ना मजा आ जाती। कैमरा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लव्ड इट, थैंक यू। फ्राइडे को है ना? हाँ हाँ पक्का, इंशाल्लाह। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, यहाँ पर अब्बा अम्मी के वहाँ पर मिलने के लिए। और गाइस घर के बाहर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि हमारे घर में खड्डे बहुत हो गए, चूहे घर में इतने आ रहे हैं कि घर में बाहर प्लास्टर लगा रहे हैं। और गाइस थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ ना, तो इसीलिए गाइस हम लोग आज यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोग जाएंगे और हम लोग गाइस यहाँ पर आइजल से मिलने आए हैं। आइजल आपने कपड़ा पहने थे, खीमर पहने थे आइजल आपने, अच्छा लगा खीमर आपको? बहुत प्यारा, खीमर अच्छा लगा है ना? अभी आपके लिए बनाएंगे हम लोग खीमर। मैंने भी खीमर पहनी थी तो मेरे से पूछ रहे कि वो पूरा बुरका है कि खाली खीमर नहीं, वो सोल्ड आउट हो गया पूरा। मेरे ख्याल से ग्रीन अबाया बचा है ना, ग्रीन अबाया बचा है, हाँ वो ये ग्रीन वाला अबाया बचा है पूरा। तो चलो गाइस अभी यहाँ पर मिल लिए है और थोड़ी देर यहाँ पर बैठते और फिर चलते निदाए घर पे, वहाँ जाके हम लोग सहरी और इफ्तारी करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है पूरा। देखो गाइस मम्मी ने सब कुछ खाली कर दिया, यहाँ पर फिश टैंक भी गाइस मम्मी ने पूरा मच्छी लोग को हौज में डाल दिए, लेकिन आज घर में इतनी लाइट क्यों दिख रही है? चलो सही है, फिर गाइस पूरे घर का नक्शा बदल देंगे इंशाल्लाह तुम देखो खाली। तो गाइस इन लोगों को मैंने यहाँ पर आके बताया कि हम लोगों ने क्या बनाए थे, तो ये लोग के मुंह में भी पानी आ गया, बोले लाया क्यों नहीं तूने, बट ये सरप्राइज है, जब गरम गरम बनेगा तभी खाने मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। पानी में हम लोग गुस्सा है, तुमने लाया क्यों नहीं? अब गरम गरम है ना, गरम गरम का ही मजा है। जब बने तो खपा खपे सभी खा गए। अभी 6 बने तो सबके सब खा गया, बहुत मजा आई, क्या बना था एकदम। मैं बोली मैं तो 2 ही खाऊंगा नीदा, तो मैंने सोचा 4 बच जाएंगे लेके जाऊंगी, तो ये तो पूरे खा गए वहाँ पे बैठे बैठे। पूरे दिन की कसा निकाल लिया। मैं रोज नहीं खाता मैं, लेकिन आज खाया मैंने, पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मेरे घर पर और सुफियान चले गए मेरा फोन लेने के लिए, मैं मेरा फोन लाना भूल गई, वहीं पे रह गई अम्मी अब्बा के घर पे। और अरे मेरे बेटे क्या पहन गया, अरे बाबा आज फुल ड्रेसिंग मार के आया है जोहान। ये मेरा गुड
बेटा, ओ मेरा सोना, नानी कब से वेट कर रही है तुम्हारा, अरे मेरी जान। तो मम्मी कब से बेचारे वेट कर रहे हैं और मेरे को फोन पे फोन किया जा रहा है, कहाँ है तू, कहाँ है तू, कहाँ है। बट फाइनली आज मम्मी देख ली है। कैसा लग रहा है सुहान? बड़ा दिख रहा है ना, माशाल्लाह। हाँ, ट्विन केयर है, वाह। चलो गाइस, अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज आप लोगों को पता है मैंने क्या बनाई थी? प्रॉन्स लॉलीपॉप। प्रॉन्स लॉलीपॉप, यही सवाल हर कोई पूछ रहा है, तुम लाए नहीं। तो ये बात मैं बोलना चाहूंगी कि मैं आप लोगों को बना के खिलाना चाहती हूँ, ठंडा ठंडे में मजा नहीं आएगी। इंशाल्लाह कल मैं जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस से। नहीं, मैं इधर नहीं बनाने की बात कर रही थी, मैं खुद कल शॉपिंग पे जा रही हूँ यहाँ पे। यस, कल शॉपिंग डे। माशाल्लाह, अल्लाह हर नजर से बचाए मेरे बच्चे को, मैं बेटी की उम्र दराज करे, आमीन। हर बुरी नजर से, हर बुरी बीमारी से बचाए, आमीन। जो कैसा देख रहा है तुमको, आमीन से बचाए मेरे बच्चे को, आमीन। मेरी जान, गाइस अभी चलता रहेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज़।